Hello everyone, this is your first day of your class 10th face to face and online class. So पहले कुछ पढ़ लेते हैं, चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं. आज पहला दिन है ना, लाइट स्टार्ट कर रहे हैं. लाइट पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, और फिर मैं लास्ट में आपको अपने बैचेस के बारे में बता दूंगा, ठीक है, बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन. तो आज अपन पढ़ने वाले हैं लाइट क्लास 10th का. अपन क्या क्या करेंगे मैं आपको चालू करने से पहले बता देता हूँ. इस पूरे कोर्स में अपन क्या क्या करने वाले हैं, तो आपको पूरे ये मॉड्यूल के साथ साथ ये जो नोट्स हैं, इस नोट्स के साथ साथ आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, एग्जांपल क्वेश्चंस कराए जाएंगे, है ना. ऑप्शन कहाँ आगे लिखने का, इसमें ये आएगा, ठीक है. तो आपको एग्जाम्पल्स कराए जाएंगे, आपके बुक के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन की बुक भी मिलेगी, मॉड्यूल मिलेगी यहां पर से, जिसमें आपको कॉम्पिटेटिव लेवल के भी क्वेश्चंस होंगे जो ऑप्शनल होंगे आपके लिए. आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आप नहीं कर सकते हैं, वो आपके लिए ऑप्शनल रहेगा, ठीक है. तो ये पूरी की पूरी चीज होंगी, सारे चैप्टर्स पढ़ाए भी जाएंगे, रिविजन भी कराया जाएगा एग्जाम टाइम में, आपको फिर से एक बार शॉर्ट रिविजन कराया जाएगा. तो पूरा आपके एग्जाम तक ये क्लासेस चलती रहेंगी. आज स्टार्ट हो रही है, आज पहला दिन है ना, 1 अप्रैल, ठीक है, और ये आपकी लास्ट तक चलते रहेगी. चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है. तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं. तो अपन को पढ़ना है लाइट. लाइट वर्ड आप लोगों के लिए नया नहीं है, आई नो आप लोगों को सबको मालूम है लाइट क्या है, है ना. आप बोलोगे सर ये घर में जो बल्ब चल रहा है ये लाइट है, हाँ ठीक है. और क्या बोलेंगे लोग कि ये देखो गाड़ियों की लाइट्स हैं ये. तो लाइट वर्ड नया नहीं है, आप लोग यूज कर रहे हैं, सब कोई करते हैं कि नहीं, लाइट वर्ड यूज करते हैं, तो नया नहीं है बिल्कुल भी आपके लिए. तो ये मिरर में आप अपने आप को देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं, कैसी इमेज बनती है, तो ये सारी चीजें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं. और ऐसी फिनोमिनाज है, कुछ तो ऐसे जनरल फिनोमिनाज हैं जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं, और कुछ ऐसे जनरल फिनोमिनाज हैं जो आप डे टू डे लाइफ में नहीं देखते, है ना. इसका इफेक्ट देखते हो, आप रेनबो देखे हो, तो रेनबो देखे हो मतलब आपने रेनबो का इफेक्ट देखा है, वो हो कैसे रहा है, वो फिनोमिना अपन पढ़ेंगे कि रेनबो फॉर्मेशन हो रही है तो कौन से फिनोमिनास के कारण हो रही है, ये क्या हो क्या रहा है. भैया यहाँ पर एक व्हाइट कलर की लाइट आ रही है और ये आपकी पूरी की पूरी अलग अलग कलर्स में बिखरते जा रही है, तो ये फिनोमिना क्या है, ये रेनबो इसी से बना हुआ है, आपका रेनबो है, ठीक है. फिर ट्रैफिक लाइट रोकने के लिए रेड कलर की क्यों होती है, चलने के लिए ग्रीन कलर की क्यों होती है, ये सारी बातें अपन इस चैप्टर में करेंगे, है ना. और फिर अपन ये लेंस के बारे में बात करेंगे जो इसका सेकंड पार्ट आएगा. जैसे अभी अपन पहले पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन, उसके बाद अपन पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन में अपन पढ़ेंगे लेंस वगैरह के बारे में, है ना. ये ग्लासेस जो आपने पहने हैं इनके बारे में अपन पढ़ेंगे. ऑप्टिकल फाइबर्स, इनकी भी अपनी अलग कहानी है. आज आप इतना फास्ट इंटरनेट यूज कर पाते हैं, पूरा वर्ल्ड को आपस में इंटरनेट में कनेक्ट किया ये ऑप्टिकल फाइबर ने, एकदम पतले पतले होते हैं ये, और ये एक पतले ऑप्टिकल फाइबर से आप कितने जीबी तक का डाटा पर सेकंड ट्रांसफर कर सकते हैं. तो बहुत ही फास्ट इंटरनेट आपको मिल सकता है इससे, ऑप्टिकल फाइबर से, है ना. फिर ये टिंडल इफेक्ट, जब भी कहीं पर से देखो ये आप बोलोगे सर मैं लाइट देख पा रहा हूँ, आप लाइट की रेज को नहीं देख पा रहे हो, एक्चुअल में यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिसमें लाइट टकरा के उस लाइट का पाथ विजिबल हो गया, तो आप लाइट के पाथ को देख पा रहे हो, लाइट को नहीं देख पा रहे हो, ये होता है टिंडल इफेक्ट. इसके बारे में बात करेंगे. सनराइज सनसेट के टाइम लाल कलर का क्यों होता है, और क्यों जल्दी उग जाता है और देर में ढलता है, ये सारी बातें अपन यहाँ पर करने वाले हैं. चलो तो क्या होगा पूरा चैप्टर, इंट्रोडक्शन क्लियर है, इंट्रोडक्शन क्लियर है ना. चलो तो ऑडियो आ रहा है, ठीक है, हाँ सब कुछ सही है. चलो तो बैकग्राउंड, पहले पूरे चैप्टर का बैकग्राउंड हो गया, है ना. तो बैकग्राउंड में अपन सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है, दंगल बिटवीन साइंटिस्ट क्या है, ये कहानी मैं बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, है ना. जल्दी जल्दी अपन दंगल देख लेंगे. और फिर उसके बाद है दो मेन फिनोमिना, एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन. तो अभी जो आपका मॉड्यूल है, अभी जो ये आपकी क्लासेस चल रही है, पूरी की पूरी रिफ्लेक्शन की चल रही है ना. और फिर उसके बाद ये आपकी क्लासेस चालू होंगी किसकी, रिफ्रैक्शन की. तो रिफ्लेक्शन में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर पढ़ेंगे, फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर पढ़ेंगे, है ना, ठीक है. फिर इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर, और लास्ट में मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन. डोंट वरी, बहुत सारे क्वेश्चन साथ में कराऊंगा, एक्स्ट्रा होमवर्क भी मिलेगा, होमवर्क भी करना जरूरी है. और एक बात और बता दूं, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, जो घर बैठ के ये क्लासेस रोज अटेंड करेंगे, रोज लाइव क्लास होगा, रोज आपको करना अनिवार्य है, आपका अटेंडेंस घर बैठे बच्चों का भी यहाँ पर अटेंडेंस लगेगा, आपको मैं यहाँ पर देख पाऊंगा गूगल मीट की मदद से, या फिर आपके जो चैट्स होंगे वो मैं यहाँ पर आपके देख पाऊंगा, ठीक है, जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनका भी, ठीक है. और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की क्या फीस है, क्या क्या सब कुछ रहेगा, किस तरीके से इनरोल कर सकते हैं, ये सब के बारे में लास्ट में बात करेंगे, आखिरी में, ओके, ठीक है. चलो तो ये सारी बातें हो गई रिफ्लेक्शन की, जो अपनी पहले मॉड्यूल में चलने वाला है,
उसके बाद जो अपना सेकंड पार्ट में चलेगा वो चलेगा रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और क्यों डिफाइन करना पड़ा, ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, फिर स्फेरिकल लेंसेज पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस, और फिर लास्ट में लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जब अपन पढ़ेंगे ना लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, तो इनके जो फॉर्मुलेज हैं टोटल ये फॉर्मुलेज आपके आने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। तो ये फॉर्मुले का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कराऊंगा ये बता करके कि भैया ये ऑप्शनल है, देख लो, देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो, मत ध्यान रखो, ठीक है। तो इनका डेरिवेशन नहीं है, 9th 10th में दूर दूर तक नहीं है इसका डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन आपका आएगा क्लास 12th में, ओके। लेकिन 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 मैं आपको यहां पर एक फटाफट इसका एक बता दूंगा कि कैसे आया, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप एक बार सुन सकते हो कि हाँ ऐसे ऐसे इस कारण से आया है ना, तो आपको क्लास 12th में मदद करेगा जब 12th में आप सुनेंगे। चलो तो ठीक है, तो इंट्रोडक्शन तो बहुत कुछ हो ही गया है, बट फिर भी इसमें अभी तक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। तो अभी तक आपको मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया वो पूरे चैप्टर का था, पूरे लाइट चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब जो इंट्रोडक्शन है वो किसका है, लाइट, एक वर्ड है लाइट। तो लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट, है ना, सेंसेशन अपन को महसूस कराता है, देखने का जो महसूस आपको हो रहा है, जो चीज आप देख पा रहे हो वो किसके कारण देख पा रहे हो, लाइट। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एक एनर्जी का ही फॉर्म है जिसके कारण आप क्या कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, ठीक है। तो कुछ कुछ बेसिक बातें हैं, इनको इतना शॉर्ट में यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये 10th की नहीं है, ये 8th और 7th की है, ठीक है। क्लास 7th और 8th में आपने पढ़ा था इनको कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइट में लाइन में ट्रैवल करता है, और उसका एक्सपेरिमेंट क्या था, ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो ये बताता है कि लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, जल्दी से बताओ, मिरर और कैंडल का। अरे भैया शैडो, फॉर्मेशन ऑफ शैडो, फॉर्मेशन ऑफ शैडो इस बात का सबूत है कि लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। भाई साहब 10th में आ गए हो, लग तो नहीं रहा मेरे को, हाँ आपका लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, तो आपकी जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, इसका सिंपल सा प्रूफ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ शैडो, है ना, शैडो बन रही है, इसीलिए आप ये बोल पा रहे हो कि लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। दूसरा, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये वर्ड आपने नहीं सुना होगा, सुना है क्या, सुना है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नहीं मतलब वेव है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब जैसे मैग्नेट होते हैं दो मैग्नेट, तो दोनों एक दूसरे को चिपकते हैं, तो मैग्नेट, दोनों मैग्नेट के आपस में कोई हाथ तो नहीं है एक दूसरे को खींचने के लिए, कुछ था ना, एक मैग्नेट के चारों साइड कुछ ऐसा था जिसने दूसरे मैग्नेट को फोर्स लगाया, है ना। तितिक्षा मैम नहीं आई क्या आज, तो वहां अच्छा ठीक है, क्यों ठीक है, चलो हाँ। तो मैग्नेट होता है जैसे, तो मैग्नेट के चारों साइड कुछ ऐसा होता है जो दूसरे मैग्नेट को फोर्स लगा रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, है ना, कि मैग्नेट का फील्ड है, मैग्नेट का असर है स्पेस में। वैसे ही चार्ज सुना होगा ना, दो चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, है ना, तो वो चार्ज, और इसका एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा, कभी किया है, बैलून को ऐसे घिस करके दीवार में चिपकाया है, या कंघी को ऐसे घिस के ऐसे छोटे छोटे पेपर उसमें चिपकाए हैं, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के कारण, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो लाइट के पास वही दोनों है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, बात समझ में आई। तो लाइट के पास दोनों है, लाइट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और वो एक वेव है, तो कैसे चल रही है ये भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा, ठीक है। और ये बात ये आपको रटी हुई है सबको, और नहीं रटी है तो आज के बाद नींद में भी याद होनी चाहिए। लाइट की रफ्तार कितनी है, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, वैसे किलोमीटर पर सेकेंड में कहीं डालेंगे नहीं क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, तो मीटर में भी याद होनी चाहिए, 3×10^8, ठीक है, हाँ 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, नींद में भी याद होनी चाहिए लाइट की रफ्तार, ठीक है क्या, लाइट की रफ्तार कितनी है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, या सिंपल किलोमीटर में याद रखना है तो 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब हर सेकेंड 300,000 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। और अब आते हैं जिसके ऊपर पूरी दंगल हुई थी साइंटिस्ट के ऊपर, लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर,
कि लाइट है क्या भैया, पार्टिकल है कि वेव, लाइट पार्टिकल है या फिर लाइट वेव है। तो इस बात पे पूरी की पूरी चली थी दंगल। चलो तो देखते हैं आगे क्या चल रहा है ना। तो देखो अब ये लाइट के बारे में बेसिक बातें हो गई, और बेसिक बातें हैं जो अभी टेंथ में नहीं, अब टेंथ में आपको आनी ही चाहिए, है ना, जो बेसिक आपको एट्थ और सेवेंथ में भी पढ़ा था लाइट चैप्टर, एट्थ में भी पढ़ा था लाइट चैप्टर। तो सेवेंथ एट्थ के जो टॉपिक है वो रिवाइज कर रहे हैं अपन की लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट की स्पीड इतना, ठीक है। तो यहाँ पर दो है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जो ट्यूबलाइट्स लगी हैं वो क्या है, ल्यूमिनस की नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस। जिसके पास खुद की लाइट हो वो क्या होते हैं, ल्यूमिनस, ठीक है। क्या ये पेन आप देख पा रहे हो, क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि यहां से रेज निकल के आपकी आंखों में आ रही है। इससे जो रेज आ रही है वो क्या इसकी खुद की है, नहीं, किसी दूसरे की है ना, रिफ्लेक्ट करी हुई। तो ये कैसा हो गया, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। हर वो ऑब्जेक्ट है ना लाइट है ऑफ इट्स ओन, जिसके पास खुद की लाइट हो भैया, ठीक है, जिसके पास खुद की लाइट हो, लाइट ऑफ इट्स ओन, जिसके पास खुद की लाइट होती है उसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती भैया, जैसे मून, चंदा मामा, है ना, खुद की लाइट नहीं है, सन, इसके पास खुद की लाइट है। जितने भी लाइट आपके बल्ब, आप फोन में भी लाइट टॉर्च ऑन कर दो तो लाइट जो है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और बाकी बंद है तो पूरा का पूरा फोन आपका क्या हो जाएगा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मैं क्या हूं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मेरी खुद की लाइट नहीं है, मेरे अंदर से लाइट पैदा नहीं हो रही है ना, ठीक है। ये पेन क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये बोर्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये लाइट दे रहा है, हाँ बंद हो जाएगा तो नॉन ल्यूमिनस, अभी क्या है, ल्यूमिनस, ठीक है क्या, ठीक है। जिसके पास खुद की लाइट है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिसके पास खुद की लाइट नहीं है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, आगे तीन टाइप के मटेरियल, और ये देखो दिख रहे हैं तीनों में कुछ अंतर दिख रहा है, इसमें आर पार का कुछ नहीं दिख रहा, इसमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है और इसमें पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो इन तीनों का अपन ने नाम दिया है ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें ऑलमोस्ट पूरी लाइट चल जाए, आपको आर पार दिखाई दे, 100% तो आप नहीं बोल सकते, 100% कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये ग्लासेस भी 100% नहीं होते हैं, खैर ये तो बने ही है कि 100% वो ना करें, पास ना होने दें, तो ब्लू लाइट को ही वो कर देते हैं रिफ्लेक्ट। आप लोगों को इसमें चश्मे में हो सकता है, देखो ब्लू कलर का लाइट दिखाई दे रहा है क्या चश्मे में, ब्लू और पर्पल, तो वो लाइट को ये क्या कर दे रहा है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, बाकी सबको पास होने दे रहा है, बाकी सबको पास होने दे रहा है तो आपको नहीं दिखाई दे रहा, जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई वो आपको दिखाई दे रही है। देखो मैं ट्यूबलाइट की तरफ देख रहा हूँ, दिख रहा होगा, दिखा गया, तो वो जो आपको दिखाई दे रहा है तो ये क्या कर रहा है, ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया। तो क्या मैं इसको ट्रांसपेरेंट नहीं बोलूंगा, बोलूंगा, आप एकदम आसपास का क्लियर देख पा रहे हो, तो 90-95% अगर लाइट ट्रांसफर हो रही है पूरी की पूरी, तो अपन उसको किस कैटेगरी में डालेंगे, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अब जिसमें बहुत कम दिखाई देता है, जैसे अगर एक पेपर है, एक पेपर को अगर आप ऐसे रख के देखोगे तो थोड़ा बहुत पीछे का दिखाई देगा, है ना, और बहुत कम दिखाई देगा, तो इस टाइप के जो मटेरियल है उनको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट। और जिसमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, क्या इस दीवार के आर पार आप देख के बता सकते हो क्या, नहीं दिखा देख के बता सकते दीवार के आर पार क्या है, तो ये क्या आपका हो जाएगा, ओपेक मीडियम। ये क्या हो गया आपका, ओपेक मीडियम, ठीक है क्या। जो पूरा 90-95% को ट्रांसफर कर दे, ट्रांसमिट कर दे, है ना, वो क्या हो गया आपके, ट्रांसपेरेंट। जो 0% बिल्कुल भी लाइट को ना जाने दे, है ना, ट्रांसमिट करें, वो क्या हो गया आपके, ओपेक। और जो आधे कर रहे हैं सम अमाउंट ऑफ लाइट को जो आने जाने दे रहे हैं, वो क्या हो गया आपके, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। क्लियर है तीनों, ये अभी सेवेंथ एट चल रहा है, अभी टेंथ में तो आए ही नहीं है, है ना। अब आते हैं टेंथ में, दंगल की कहानी पढ़ते हैं। चलो तो अब दंगल की कहानी, सौरभ सर की जुबानी, जो कि मैं पहले बहुत डिटेल में बताया करता था, अब नहीं बताता हूँ, अब जल्दी जल्दी क्या टाइम पास करना है ना। चलो तो जल्दी जल्दी, तो भैया सबसे पहले ये कौन है जानते हो, अरे नाम लिखा हुआ है भैया, एरिस्टोटल, ठीक है। ये थर्ड बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, समझ रहे हो, तो उस समय के हैं ये, है ना। और ये सबसे पहले फिलोसोफर बोल लो या साइंटिस्ट बोल लो, है ना, साइंटिस्ट अपन जनरली क्या बोलते हैं, जो कुछ प्रूफ एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं और जो जनरली देखो देख करके थ्योरीज देते हैं उनको फिलोसोफर बोल सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है, साइंटिस्ट की कैटेगरी में रखते हैं इनको, है ना, साइंटिस्ट हैं ये। तो इन्होंने सबसे पहले लाइट के क्या बोला, द एसेंस ऑफ लाइट इज व्हाइट लाइट
कलर्स आर मेड अप ऑफ अ मिक्सचर ऑफ लाइटनेस एंड डार्कनेस. लाइट और डार्क को मिलकर, मतलब इन्होंने अपनी सबसे पहले लाइट के बारे में जो कुछ कहा वो इन्होंने कहा. ठीक है, क्या है प्रॉपर कुछ नहीं समझा पाए, लेकिन हाँ सबसे पहले कहा. इसके बाद कौन आए, इसके बाद आप क्या है, इनको तो जानते होगे, इनको तो नाम छुपा लूंगा तब भी जानते होगे, न्यूटन बाबा है ना. इनकी फोटो यहाँ लगे पड़े रहती थी रूम में, लगे रहती थी, पड़े नहीं रहती थी, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो निकली हुई है, ऑनलाइन है, थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ेगा, है ना. ठीक है चलो, तो सर आइज़ैक न्यूटन. फिर ये आए, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने एक कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया. भाई साहब इन्होंने क्या किया, कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया. ये थ्योरी में इन्होंने क्या बोला, लाइट इज कंप्रेस्ड ऑफ कलर्ड पार्टिकल. इन्होंने क्या बोला, लाइट जो है वो बहुत सारे अलग अलग कलर की बॉल्स हैं, मान लो है ना, वो सारी अलग अलग कलर्स की बॉल जो है वो एक जगह आके पड़ रही है, सारी कलर की आके पड़ रही है तो व्हाइट हो गई, नहीं तो जो व्हाइट लाइट ही है, जो लाइट आपकी है वो अलग अलग कलर्ड पार्टिकल से मिल करके बनी है. और उन कलर्ड पार्टिकल्स को उन्होंने नाम भी दिया, क्या नाम दिया, कॉर्पस्क्यूलर पार्टिकल्स. इसलिए उनकी इस थ्योरी का नाम क्या हो गया, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी. तो ये पहले थे भैया आइज़ैक न्यूटन, और इन्होंने किसका समर्थन किया, पार्टिकल का, कि लाइट क्या है, पार्टिकल. एक्चुअल में दंगल क्या चल रही थी, कि लाइट पार्टिकल है कि वेव है, लाइट पार्टिकल है कि वेव है. तो सबसे पहले अब आ गए मान लो आइज़ैक न्यूटन, अपने न्यूटन बाबा, और न्यूटन बाबा ने क्या बोला, न्यूटन बाबा ने बोला कि भैया लाइट जो है वो कलर्ड पार्टिकल से मिलकर के बना है. ठीक है, तो न्यूटन बाबा ने क्या बोला, लाइट जो है वो कलर्ड पार्टिकल से मिलकर के बना है. तो इस थ्योरी को बोला कलर कॉर्पस्कुलर थ्योरी, और पार्टिकल बोल दिया मतलब पार्टिकल थ्योरी. तो इनकी क्या हो गई, पार्टिकल का समर्थन हो गया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. चलो अब आए कौन, आ जाओ. ठीक है, अब उसके बाद आए कौन, आपके थॉमस यॉन्ग, है ना. इन्होंने क्या किया, इनके इनका ये एक्सपेरिमेंट तुम लोग आगे जाकर के पढ़ोगे, प्रूव हो जो इन्होंने दिया था वेव थ्योरी का जो दिया था, इन्होंने गेम पलट दिया. ठीक है, क्या गेम पलट दिया, ये बोले कि भैया लाइट पार्टिकल वर्टिकल नहीं है, लाइट क्या है, वेव. ठीक है, अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी दिया, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में जानोगे आप लोग 11th 12th में, है ना. हाँ पानी के साथ, हाँ पानी के साथ कर सकते हो इसका इंटरफेरेंस देखने के लिए, है ना. बाकी वैसे मैं ये कहाँ गया भैया, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करके दिखाता हूँ. दो पतली पतली स्लिट के बीच से अगर आप लेजर लाइट भी डालोगे ना, तो आपको क्या लगना चाहिए, जैसे अगर मान लो एक पेपर है उसमें मैं दो छोटे छोटे छेदा कर दूं, है ना, या पतला पतला ऐसे दो ठोक लंबा लाइन कर दूं, और इधर से टॉर्च मारूं, टॉर्च या फिर मान लो लेजर मारूं, तो सामने कितने डॉट दिखाई देंगे, दो छेद हैं तो दो ही दिखाई देने चाहिए, बट दो नहीं होंगे, बहुत सारे आ जाएंगे ऐसे पूरे लंबे बिखर जाएंगे, सबसे ब्राइट फिर कम 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 कम. तो ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, ये इंटरफेरेंस पैटर्न बन सकता है सिर्फ और सिर्फ जब एक वेव जाए, है ना, क्योंकि वेव ही इंटरफेयर कर सकती है ना, कहीं पर मैक्सिमम मैक्सिमम मिलके बड़ी हो गई, मैक्सिमम और मिनिमम मिलके जीरो हो गई, तो वेव ही इस टाइप का पैटर्न बना सकते हैं, पार्टिकल इस टाइप का पैटर्न नहीं बना सकते. तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको, खैर नाम याद रखने की अभी जरूरत नहीं है, 12th में काम आएगा ये. हाँ, तो ये एक्सपेरिमेंट किया, और ये एक्सपेरिमेंट से इन्होंने कह दिया कि भैया लाइट इज अ वेव, लाइट पार्टिकल नहीं है. ठीक है, फिर उसके बाद, ठीक है उसके बाद, लेकिन जब इन्होंने दिया ना, थॉमस ने जब दिया, तब भी लोग उतना भरोसा नहीं किए, क्यों, बोले भैया न्यूटन इतना बड़ा साइंटिस्ट, हाँ तो न्यूटन की बात मानेंगे, हम तो पार्टिकल बोलेंगे. लेकिन फिर उसके बाद आ गए मैक्सवेल, मैक्सवेल ने फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक एक्सपेरिमेंट किया, और क्या बोल दिया कि लाइट क्या है, वेव. अब लोग तो होते ही दल बदलू, है ना, अब बोले ठीक है भैया दो दो साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि वेव है तो मान लेते हैं, है ना, कि न्यूटन बाबा से कुछ गलती हो गई होगी, ठीक है भैया. फिर उसके बाद आए कौन, आइंस्टीन, है ना, आइंस्टीन आए, और फिर इन्होंने क्या बोल दिया कि लाइट इज अ पार्टिकल. और एक सबसे फेमस इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जो शायद नाम आपने सुना होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सुना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अरे भाई इतना फेमस है, सुन उसी के बाद तो फेमस हुए हैं ये एकदम, चार चार थ्योरी देने के बाद, है ना. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और उससे इस बात को क्लियर कर दिया कि भैया लाइट जो है वो क्या है, पार्टिकल. लोग फिर पलट गए, बोले भैया क्या, लोग फिर पलट गए, क्या बोले कि न्यूटन बाबा भी क्या बोल रहे थे, पार्टिकल, और आइंस्टीन भी क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल. तो फिर कहां पर आ गए सब कोई, पार्टिकल के. तो ये युद्ध चली रहा था, पार्टिकल वेव, पार्टिकल वेव, कोई बोल रहा था पार्टिकल है, कोई प्रूफ कर रहा था वेव है. उसी समय एक भले मानुष का जन्म हुआ, क्या नाम है उसका, डी ब्रोगली, क्या नाम है, डी ब्रोगली. ये भले मानुष का जन्म हुआ, और इसने बोला लड़ो मत, लड़ो मत, लड़ो मत, है ना. क्या बोला इन्होंने कि भैया लाइट दोनों है,
अगर कोई एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए वेव मानना होगा तो वेव मान लो, अगर पार्टिकल मानना होगा तो पार्टिकल मान लो, ठीक है। तो इनकी जो थ्योरी है, इनकी जो पूरी की पूरी स्टडीज है, वो अपन को पढ़नी है, लेकिन 11th 12th में अभी नहीं, ठीक है। तो 11th 12th में अलग चैप्टर में, लाइट चैप्टर में भी नहीं, इसका पूरा अलग अलग थ्योरी है, अलग एटॉमिक स्ट्रक्चर जब अपन पढ़ेंगे उसमें अपन इसको पढ़ेंगे, वो भी 12th में, ठीक है। तो अभी अपन को वो सब कुछ भी नहीं पढ़ना इनकी थ्योरी, लेकिन मैं एक छोटा सा बता देता हूं, इन्होंने ऊपर ऊपर से क्या बोला कि भैया लाइट पार्टिकल तो है लेकिन वो चल कैसे रहे एज अ वेव, है ना। तो दोनों बोल दिया, पार्टिकल भी बोल दिया और वेव भी बोल दिया, ठीक है। मैम को बुलाना, बुक्स ले लो ना, तो बुक ले लो, काउंट कर लो, है ना, फिर फोन बताना मेरे को, हाँ ठीक है क्या। चलो तो इन्होंने क्या किया, पूरा रिसर्च अगर किया, फिर उसके बाद ये लड़ाई थम गई, जो दंगल चल रहा था साइंटिस्ट के बीच में वो क्या हो गया, थम गया, है ना। तो अपन उसके बाद से आज तक, अभी तक, आज की प्रेजेंट डेट तक, 1/4/24, है ना, आज तक अपन क्या मानते हैं कि लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, लाइट की दोहरी प्रकृति होती है, लाइट का दोनों नेचर है, पार्टिकल भी और वेव भी। तो लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, और ये बात यहां पर लिखी हुई थी आपको, मैंने बोला था, है ना, ये देखो यहां लिखा है, लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, तो लाइट की दोहरी प्रकृति होती है, लाइट की ड्यूअल नेचर है, ठीक है क्या। तो ये सारी चीजें यहां पर आ गई, आगे बढ़ते हैं। खैर अभी तक ये सारी कहानी ऐसी थी, है ना। अब आते हैं अपन मुद्दे में, अपने सिलेबस में, ठीक है। वो लाइट के बारे में जानना भी जरूरी था कि भैया ड्यूअल पार्टिकल होता क्या, रट लेते हैं बच्चे, क्या मतलब है लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर, ठीक है। तो लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, दोनों पार्टिकल भी और वेव भी, दोनों है लाइट का, है ना, पार्टिकल नेचर भी है, वेव भी। चलो अब अपन को क्या पढ़ना है, लाइट के बारे में डिटेल में आते हैं, है ना। तो जो अपन को अब पढ़ना है क्लास 10th के लेवल पे, अपन 10th के लेवल पे जाएंगे, कुछ कुछ 11th 12th की बातें बताऊंगा, वो भी ऑप्शनल बता करके कि भैया ये 10th में नहीं है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, ठीक है। चलो अब मान लो ये लाइट है, ये जो आ रही है येलो कलर की जो लाइट है वो आ रही है, किसी सरफेस में गिरी, किसी सरफेस में गिरी, तो यहां पर गिरने के बाद लाइट का क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। एसी बंद करनी है, हाँ एक और फीचर, फेस टू फेस क्लासेस एसी रूम में एंड ओनली 900 रुपीज पर मंथ। चलो आगे, चलो रिफ्लेक्शन, है ना, सॉरी कहाँ गया, लाइट आके गिरी, तो किसी भी सरफेस में जब लाइट आके गिर रही है तो क्या क्या हो सकता है, तीन चीजें हो सकती है, क्या क्या हो सकती हैं, या तो लाइट टकरा के वापस चल जाए, या फिर लाइट टकरा के पार हो जाए, जिस मीडियम में टकराए उसी मीडियम में अंदर चले जाए, है ना। जैसे यहां पर क्या हो रहा है, जो लाइट आ रही है वो टकरा के कुछ पार हो रही है, कुछ पार इसको आर पार कर दे रही है, और कुछ लाइट जो है एब्जॉर्ब हो जा रही है, क्या हो रही है एब्जॉर्ब, एनर्जी है ना, वो एनर्जी क्या कर रहे हैं, यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं, किसी भी सरफेस के पार्टिकल हैं, वो क्या कर रहे हैं एब्जॉर्ब, है ना। तो जब भी लाइट गिर रही है तो तीनों चीज हो रही है आपकी, रिफ्लेक्शन भी हो रही है, ठीक है, रिफ्लेक्शन भी हो रही है, रिफ्रैक्शन भी हो रही है, याद रखना जब लाइट टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाए उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और किसी मीडियम में लाइट टकरा के जब बैंड होके बाहर पार हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, और ये क्या है, रिफ्लेक्शन, और जब यहां पर ये जो एनर्जी खत्म हो जा रही है वहां पर चले जा रही है इसको क्या बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन। अपन को एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ना है, अपन को खाली क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। और अभी जो अपना चैप्टर अपना चालू हो रहा है, ये जो मैं आप लोगों को बुक्स बांटूंगा, ये जो मैं आप लोगों को नोट्स बांटूंगा क्लास 10th में, ये आपका दो अलग अलग चैप्टर होगा, रिफ्लेक्शन अलग, रिफ्रैक्शन अलग, आपके बुक में हो सकता है स्कूल की बुक में वो एक ही हो, बट अपन उसको अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है क्या। हाँ नाइन्थ में बुक्स, नहीं टेंथ, ये जो आपकी क्लासेस चल रही है, ये क्लास 10th की क्लासेस चल रही है, यस। कल से तुम लोगों की अलग अलग क्लासेस रहेंगी, अलग अलग टाइमिंग रहेगा, मैं बता दूंगा, है ना, अलग अलग मतलब 8th और 9th की एक साथ चलेगी, 10th की अलग चलेगी, ठीक है, और 8th और 9th की भी अप्रैल अप्रैल एक साथ चलेगी, और फिर उसके बाद से आपका जून से अलग अलग हो जाएंगी वो भी, ठीक है, है ना। तो क्योंकि अगर एक साथ होगी तो फिर रिकॉर्डिंग और आपकी लाइव क्लास नहीं जा पाएगी ना, ठीक है। और अब फिक्स रहेगा, वीक में एक दिन डाउट क्लास है, मतलब उस दिन डाउट क्लास ही है, उस दिन कोई भी स्टडीज नहीं की जाएंगी, उस दिन ऑनलाइन बच्चों की और ऑफलाइन बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ऑनलाइन बच्चे कैसे डाउट भेज सकते हैं, आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे डाउट भेज सकते हैं, यहाँ पर लाइव कमेंट में आप मेरे को डाउट भेज सकते हैं, है ना, तो उस तरीके से आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या छोटू क्या देख रहे हो बार बार ऊपर, टीवी नहीं देखी क्या,
चलो आगे बढ़ते हैं. रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, जिस मीडियम से, जिस जगह से लाइट आ रही है टकरा के उसी जगह वापस बाउंस कर जाए, है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन. क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो जैसे मान लो भैया ये लाइट आई, रिफ्लेक्शन, ये सरफेस है, ये सरफेस में लाइट आई, टकराई और इसी मीडियम में क्या हुई? बाउंस बैक हो गई. ठीक है, लेकिन जनरली लाइट रिफ्लेक्ट कब करती है? जब कैसा सरफेस होता है? पॉलिश्ड और सरफेस और शाइनिंग सरफेस, है ना, स्ट्राइक्स होना पॉलिश्ड. पॉलिश मतलब थोड़ा शाइनिंग होना चाहिए. जितनी ज्यादा शाइनिंग होगी उतनी ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, और जितना डार्क चीजें होंगी जैसे ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर लाइट को उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट सबसे कम करेगा. बात समझ में आई? तो क्या है रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में बाउंस कर जाए, किसी पॉलिश सरफेस में टकरा के, तो अपन उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ पॉलिश सरफेस, या व्हेन इट स्ट्राइक्स अ पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्लियर? यस और नो? पक्का 100%? चलो तो आगे बढ़ते हैं भैया. अब आते हैं भैया कुछ कुछ टर्म्स हैं. अब रिफ्लेक्शन पढ़ना है, कुछ चीजों के बारे में डेप्थ में अपन को स्टडी करनी है, तो कुछ टर्मोलॉजीज पता होनी चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? है ना, तो कुछ टर्मोलॉजीज पता होनी चाहिए. तो वो टर्मोलॉजीज देख लेते हैं. रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है? ठीक है, तो देखो एंड सेलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, देखो ये लाइट जो आ रही है, जो लाइट आ रही है उसको अपन क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे. ठीक है, जो भी लाइट आ रही है किसी भी फिनोमिना से पहले, चाहे आप रिफ्लेक्शन देख रहे हो, चाहे रिफ्रेक्शन देख रहे हो, चाहे ट्वेल्थ में और भी फिनोमिनास, पोलराइजेशन, डिफ्रेक्शन, और भी फिनोमिनास पढ़ोगे, तो चाहे आप कोई भी फिनोमिनास के बारे में देख रहे हो, वो इंसिडेंट टुक होने से पहले, वो इंसिडेंट होने से पहले कि जो लाइट आ रही है उसको आप क्या बोलोगे? इंसिडेंट रे. क्या बोलोगे? और टकरा के जो लाइट जा रही है उसको क्या बोलोगे? रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, और जिस पॉइंट में, जिस बिंदु में आकर के लाइट टकरा रही है उसको क्या बोलोगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. क्या बोलोगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. वो बिंदु, वो सेंटर, वो पॉइंट जहां पर लाइट आके टकरा रही है किसी सरफेस पे, जरूरी नहीं है कि मिरर हो, कहीं से भी रिफ्लेक्शन हो सकता है. कहीं से भी अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो जिस पॉइंट से आके लाइट टकरा रही है उस पॉइंट को अपन बोलेंगे पॉइंट ऑफ, क्या बोलेंगे? ठीक है ना. ऑनलाइन वालों के बच्चे को अगर ज्यादा ऑडियो आ रहा हो ईयरफोन में तो थोड़ा वॉल्यूम कम कर दें. ठीक है, चलो नाउ ओके. अब नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर लाइंस को हमेशा क्या बोलते हैं? नॉर्मल. क्या बोलते हैं? नॉर्मल. तो सर कहां से परपेंडिकुलर? ऑब्वियसली जहां लाइट आके टकरा रही है, तो जहां लाइट आके टकरा रही है वहां कोई सरफेस होगा, और उस सरफेस का जो परपेंडिकुलर होगा क्या होगा? परपेंडिकुलर. उसको अपन क्या बोलेंगे? नॉर्मल. ठीक है, तो नॉर्मल क्या है? जिस पॉइंट में आके लाइट टकराई उस पॉइंट में जो सरफेस है उसका परपेंडिकुलर को अपन बोलेंगे नॉर्मल. क्या बोलेंगे? नॉर्मल. ठीक है, अब ये जो इंसिडेंट रे, जो लाइट आ रही थी वो इंसिडेंट रे, और ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या है? नॉर्मल. इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्या बोलते हैं? एंगल. क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस. और ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, क्या क्लियर? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये टर्म्स क्लियर है कुछ कुछ, है ना. अगर मैं कभी भी आगे यूज करता हूँ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, अच्छा रिफ्लेक्टिंग सर्फेस क्या है? ये सर्फेस जो लाइट को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट. तो क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, है ना. मैं अपना फोन ही नहीं रखा क्या? जैसे कोई भी चीज, अगर कोई भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट लाऊं तो यहाँ पर कुछ लाइट चमकती हुई दिख रही होगी, दिख रही है यहाँ पर लाइट चमकती हुई, है ना. तो ये जो सरफेस हो गया ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. हर वो सरफेस जहां लाइट टकरा के वापस आ रही है उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग. क्या बोलेंगे? पक्का? चलो ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. हाँ, रिफ्लेक्शन का जो चीज होता है
एक ही प्लेन में अभी लॉ पढ़ेंगे भैया, है ना, तो थोड़ा थावस रखो, ठीक है, सब पढ़ेंगे, है ना, धीरे धीरे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आप वैसे भी आज पहली क्लास है तो थोड़ा धीरे धीरे स्पीड बढ़ा लेंगे, क्या जाता है ना, क्वेश्चन ऑप्शन कराएंगे, सारी चीजें यहाँ पर होंगी, है ना, होमवर्क भी मिलेगा, होमवर्क नहीं करने पर मुर्गा भी बनना पड़ेगा, है ना, ये कैमरा तो मूव भी कर सकता है, कैमरा मूव करके दिखाऊंगा ऑनलाइन में, मैं बता रहा हूँ, उठक बैठक जो कराऊंगा, क्या ऐसे ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, होमवर्क नहीं करोगे तो देखो भैया, ऑनलाइन वालों को बुलाएंगे यहाँ टेस्ट देने के लिए, अगर सुरेशपुर के होंगे तो, हाँ यहाँ मस्त देख के यहाँ पर तुम को करना पड़ेगा, है ना, चलो कैमरा खतरनाक है, घूम जाएगा अभी, तुम के साइड भी घूम जाएगा, ठीक है, हाँ चलो ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई, क्लियर है भाई साहब, सोहन भाई साहब क्लियर है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया अब आपके में, है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, भाई साहब का जो डाउट था वो क्लियर कर देते हैं, है ना, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अब लॉ, लॉ मतलब नियम, लॉ मतलब क्या है, नियम कानून, है ना, हमको कानून सिखाओगे, यहां सिखाएंगे, ठीक है, तो लॉ नियम कानून। अब हुआ क्या भैया, अपन ने फिजिक्स क्या है, अपन ने ऑब्जर्व किया, अपने आसपास रोज कुछ ना कुछ हो रहा है ना, तो अपन ने सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, उसके पीछे की थ्योरीज निकाली और उनको अपन ने दे दिया, जिसका रीजन अपन दे पाए उनको लॉ नहीं बोलते, लेकिन जिसका रीजन नहीं दे पाए अपन क्या बोलते थे, ये तो कुदरत का नियम है भैया, ये ऐसे ही होता है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो अपन ने देखा और अपन बता रहे हैं कि भैया ये हमेशा ऐसा ही होगा, चाहे कहीं देख लो आप, है ना, तो अपन ने क्या देखा कि भैया ये जो लाइट आ रही है इंसिडेंट रे है, ये जो लाइट जा रही है रिफ्लेक्टेड रे है, है ना, और ये जो नॉर्मल है ये हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मान लो दो चीजें हैं, ठीक है, दो लाइन, तो ये दो लाइन तो हमेशा एक प्लेन में लाई करेंगी, इनको मैं कैसे भी रख दूं, ऐसे रख दूं, देखो एक प्लेन में लाई कर रहा है, ऐसे रख दूं तो भी एक प्लेन में लाई कर रहा है, तो दो लाइन तो हमेशा अगर एक ही पॉइंट से जनरेट हो रही है, दो लाइन, टू लाइन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ सेम पॉइंट विल ऑलवेज लाई इन अ सेम प्लेन, टू लाइन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट विल ऑलवेज लाई ऑन अ सेम प्लेन, कहीं पर भी रख दो, दिस बोथ लाइन्स विल लाई ऑन अ सेम प्लेन, बट व्हेन थ्री लाइन्स विल बी देयर देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द थ्री लाइन्स विल बी इन वन प्लेन, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस टू आर इन वन प्लेन दिस इज आउटसाइड द प्लेन, इफ दिस टू आर इन वन प्लेन दिस इज, इफ दिस टू आर इन वन प्लेन दिस इज आउटसाइड द plane, if these two are in one plane this is outside the plane, so it is not necessary that three lines will always be in a plane, isliye dekho yahan par kya hai, do line to hamesha ek hi plane mein hogi, to isko to law bol nahi sakte na, hai na, to yahan par apan kya bol rahe hain ki incident ray reflected ray aur normal hamesha ek hi plane mein lie karega, hai na, to ab ye niyam ho gaya ki ha ki hamesha incident ray reflected ray aur normal hamesha ek hi plane mein lie करेगा, एक ही प्लेन में मतलब किसी भी एक प्लेन में रख दोगे तो ऐसे बराबर हो जाएगा, कोई उठा नीचा नहीं होगा, ठीक है क्या, थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, हाँ इतना ठीक है, थोड़ा ये सरफेस नॉर्मल, यही तो नॉर्मल है, सरफेस का नॉर्मल, सरफेस से परपेंडिकुलर वो आपका हो गया सरफेस नॉर्मल, ठीक है, इसको सेट कर देते हैं एग्जांपल, हाँ चलो, तो दो लाइन हमेशा एक प्लेन में लाई करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन तीन लाइन यहाँ पर जो है इंसिडेंट, सॉरी दो लाइन हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगी, तीन लाइन एक प्लेन में लाई करे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो नियम है, ये जो लॉ है, वो ये आपको बता रहा है, ठीक है, देखो लिखा हुआ आ गया, सब मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं, द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, क्या बता रहा है कि जो आपकी इंसिडेंट रे है आती हुई रे, जो जा रही है रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों रे हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेगी, ठीक है क्या, ये बात एक बता दिया इसने, और दूसरा जो नियम बताया वो क्या बताया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होंगे, ठीक है क्या, ठीक है, स्कूल में हो सकता है आप लोगों को इसका एक्सपेरिमेंट भी कराएं, है ना, तो नहीं कराते हैं, कराएं ना, हाँ
तो इसका एक्सपेरिमेंट वैसे तो रहता है, हर स्कूल के सिलेबस में रहता है इसका एक्सपेरिमेंट, है ना। लेकिन अब वो स्कूल वालों के ऊपर है, वो कराएंगे कि नहीं कराएंगे, है ना। नहीं कराएंगे तो आप लोग बोलना जाके हमको कराना है, एक्सपेरिमेंट करना है ना, फिर कराएंगे, आपकी बात सुनेंगे, आप लोग बोलेंगे तो ठीक है, बाकी सब किया। चलो चलो, 34 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। चलो, अभी ऑनलाइन थोड़ी कनेक्ट हुआ, अभी तो आज पहला है, रिकॉर्ड हो रहा है खाली, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्लास है आज, फिर आगे अब इसको अभी अपन प्रमोट करेंगे स्कूल टू स्कूल जा जाके, है ना। ये लाइव क्लासेस आपकी 4-5 में स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब जो लाइव क्लासेस भी हैं, आप बच्चों को मैं बता दूं, क्लास 10th की जो ये क्लासेस हैं, ये आपकी 4:05 तक स्टार्ट हो जाएगी। मतलब 4 बजे आपको अपना लैपटॉप, फोन, जिसमें भी आपको देखना है, आप चालू करके बैठ जाइए, लाइव आएंगी और लाइव में आपका अटेंडेंस भी होगा। अगर आप नहीं आ रहे हैं तो आपका सब्सक्रिप्शन भी कैंसिल किया जा सकता है। तो रेगुलरिटी जरूरी है, अगर ऑनलाइन आप क्लास ले रहे हैं और अगर आप रेगुलर नहीं है तो फिर किसी बात का नहीं है, फिर तो ऐसा हो गया कि आप बस मेरी मदद कर रहे हैं मेरे को फीस दे करके, है ना। तो ठीक है जी, हाँ, अगर आपको फेस टू फेस आना है तो आप फेस टू फेस आ सकते हैं इस क्लास में, या अगर आपको ऑनलाइन यही क्लास घर बैठ के देखनी है तो आप घर बैठ के देख सकते हैं। प्राइसिंग की बात मैं लास्ट में करूंगा, ठीक है। चलो, हाँ, इतना हो गया क्लियर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है भैया, इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। और दूसरी बात क्या बताता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, ठीक है क्या। तो अभी तक मुद्दे की बात अपन ने क्या पढ़ी, वो दंगल उंगल हटा दो, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। दंगल को हटा दिया, झाड़ू मार दो, मार दिया, हाँ मार दिया, ठीक है। चलो, अब क्या क्या पढ़ा अपन ने, अपन ने सबसे पहले पढ़ा कि लाइट होती क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अ सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिसके कारण अपन देख पाते हैं। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। और फिर अपन ने क्या पढ़ा लाइट के बारे में, कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर क्या पढ़ा, लाइट की रफ्तार, बताओ रोहन, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, ये हो गई लाइट की रफ्तार। ये बात अपन ने पढ़ी लाइट के बारे में। फिर उसके बाद क्या पढ़ा लाइट के बारे में अपन ने, फिर अपन ने पढ़ा लाइट के बारे में नहीं, ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद की लाइट है, नॉन ल्यूमिनस जिसके पास खुद की लाइट नहीं है। फिर अपन ने क्या पढ़ा, 3 टाइप के मटेरियल, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट जो 90-95% लाइट को आर पार जाने दे, ऑलमोस्ट सारी को, वो क्या हो गए आपके ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट क्या है, जो थोड़ी बहुत जाने दे और बाकी नहीं जाने दे, तो हो गई आपकी ट्रांसलूसेंट। और ओपेक मतलब बिल्कुल भी नहीं ओपेक, जैसे लकड़ी है वो आपका एकदम ओपेक है, आर पार लाइट को नहीं जाने देगा। ये जो बोर्ड है, या जो आपकी दीवार है, ये जो दीवार है आपकी, ये लाइट को पूरी आर पार होने तो देख सकते हैं यहाँ से बाजू रूम में क्या चल रहा है, हाँ कैमरा लगा दो तो अलग बात है, अभी डायरेक्ट इस दीवार के थ्रू देख सकते हो नहीं, है ना। तो ये क्या हो गई ओपेक। तो ये अपन ने पढ़ा लाइट के बारे में जो काम का था। फिर अपन ने क्या पढ़ा, लाइट जब भी सरफेस में गिरती है तो 3 फिनोमिना हो रही है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन अपन को नहीं पढ़ना, अपन को दो ही बातें पढ़नी है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। जब किसी सरफेस में टकरा के लाइट उसी मीडियम में वापस आए तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ पॉलिश्ड सरफेस। किसी भी पॉलिश सरफेस में टकरा के जब लाइट वापस टकरा के उसी मीडियम में आ जाती है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है क्या। ठीक है, बाहर जाके बोलो, ठीक है। और जब भी लाइट क्या बोलते हैं आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चल जाती है, आर पार हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स देखे थे अपन ने, कि इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। और उसके बाद फिर अपन ने पढ़े ये दो नियम। तो अभी तक अपन ने पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ इतना ही, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, है ना। तो अगर अपन इसको थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं करेंगे तो ये आपका बहुत टाइम टेकिंग लगेगा, है ना। और अच्छी बात मेरे को इस साल ये लग रही है कि ये सारी क्लासेस आपकी हो रही है रिकॉर्ड। तो मतलब अगर कोई बच्चा 4 दिन बाद आता है, या मान लो जून से भी आता है, है ना, तो मेरे को पूरा इतना डिटेल में इसको कवर करने की जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी मैं एक रिवीजन सेशन रख दूंगा जून वाले बच्चों के लिए, जून और जुलाई में जो आएंगे उनके लिए, क्योंकि मैक्सिमम एडमिशन जून एंड जुलाई के टाइम में ही आते हैं, है ना। तो क्योंकि यही चैप्टर मेरे को मालूम है, पिछले बार 1.5 महीना चला गया था, क्योंकि हर बार कोई ना कोई नया बच्चा आते जा रहा था, है ना। तो उस कारण से बहुत ही झुक के जाने की जरूरत नहीं, कैमरा में आ जाओगे तो कुछ होगा नहीं, हाँ। अब कुछ एक्सपेरिमेंट अगर कराऊंगा तो बुलाऊंगा ना आगे, नहीं 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 क्यों नहीं 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 नहीं, है ना। अभी तो लाइव जा भी नहीं रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है अभी तो।
चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। हाँ, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, ये एक्सपेरिमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था आप लोग स्कूल में करा सकते हो। ये देखो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ किया। अब जो आपका नॉर्मल है, मतलब जो सरफेस है जहां से रिफ्लेक्ट हुआ उसका 90 डिग्री दिख रहा है। अब यहां से देखा जाएगा इधर कितना है 35 और उधर भी 35। इधर भी 35 और उधर भी 0, 10, 20, 30, 35। ठीक है, तो बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या है, बराबर। और ये एक्सपेरिमेंट अगर आपके पास ये लाइट बॉक्स नहीं है तब भी आप कर सकते हो। बात समझ में आई? हाँ, लेजर लाइट से कर सकते हो। लेजर लाइट नहीं भी है ना तो दो पिन को लगा के भी कर सकते हो कि इधर साइड दो पिन लगाए है ना, फिर इधर साइड देखिए दो पिन कैसे एक ही लाइन में लगाए कि उसी के जैसे इधर दो पिन लगाए आपने, मान लो यहाँ पर, यहाँ और यहाँ पर दो पिन लगा दिए है ना। अब इधर साइड से देखो तो वो दो पिन की इमेज यहाँ पर दिखेगी कहीं पर पीछे, अब वही दोनों को एकदम आगे आगे रखते हुए दो पिन और लगाओ तो ये दोनों लाइन बन जाएगी, दोनों लाइन बन जाएगी। तो आप कर सकते हो एक्सपेरिमेंट है ना, तो किसी दिन चलो यहाँ पर आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। ठीक है, किसी दिन क्या जल्दी 2-4 दिन के अंदर अंदर आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, तो साथ ही साथ करते जाएंगे क्योंकि मैं पेंडिंग कर देता हूँ ना, एक्सपेरिमेंट तो पड़े रहते हैं। तो फर्स्ट ईयर मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा था, फिर वो धीरे धीरे कम होते गया है ना। तो अब करेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना थ्योरी क्लियर हो गया, थोड़ा सा तो थ्योरी पढ़े, अब आगे पढ़े, बातचीत नहीं। हाँ, ठंडा लग रहा है, 25 में ऐसी फिर भी ठंडा लग रहा है। कल से स्वेटर पहन के आना या लेके आना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब दो वर्ड्स और है। देखो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में मैं आपको बता दे रहा हूं, फिजिक्स और मैथ्स में अपन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे नहीं रहेंगे, अपन काफी डिटेल में चीजों की बात करेंगे है ना। हो सके तो अपन थोड़ा बहुत आईसीएसई लेवल पर भी जाए है ना, पूरा का पूरा देख करके। तो आपको अच्छे खासी नॉलेज मिलने वाली है, लेकिन ऑब्वियसली आपके 10th लेवल के बाहर का मैं कुछ बताऊंगा तो आपको ये बता के बताऊंगा कि भैया ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि मेरे को मालूम है आप में से बहुत सारे ऐसे हैं सर खाली 10th का पढ़ना है, 10th के बाद देखेंगे 10th का है ना। तो ऑब्वियसली मैं वो चीज आपको बता के ही करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं जबरदस्ती आपको बोलूंगा नहीं 10th में पढ़ो 11th का पढ़ो 12th का, वो आपके ऑप्शंस हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ओपन होते हैं, जो बोलते हैं नहीं सर 10th तो हो गया, 10th तो स्कूल वाले पढ़ाते ही हैं, कोचिंग 10th थोड़ी पढ़ने आ रहे हैं है ना, आगे का पढ़ाओ 11th 12th, तो ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो सबका अपना अपना है, आपको जैसा रहे आप उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है क्या? ठीक है, चलो। सो अब दो वर्ड्स हैं यहाँ, नॉर्मल इंसिडेंस और ग्रेजिंग इंसिडेंस। कोई जानता है क्या होता है? परपेंडिकुलरली आ रहा है जो है ना, मतलब किसी सरफेस के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइट आ रही है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेज करते हुए मतलब ऑलमोस्ट 0 डिग्री पर। देखो मैं बता रहा हूं, इसमें वीडियो है क्या? हाँ, देखो जैसे ये लाइट आई 90 डिग्री में आई, यहां पर पूरा 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं? ये देखो ये सरफेस से यहां पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री में लाइट आई और ये देखो हाँ, 90 डिग्री में लाइट आई और देखो 90 डिग्री में वापस चली गई। ठीक है, तो ये कैसा हो गया आपका, नॉर्मल इंसिडेंस। अभी दूसरी वाली रेस को देखना, ये आई यहां से एकदम ऑलमोस्ट 0 डिग्री में, ये रे और ये दोनों के बीच में देखो कितना एंगल है, 0 डिग्री के आसपास है। तो ऑलमोस्ट 0 डिग्री मत मानो, एग्जैक्टली 0.00001 डिग्री मान लो। तो जितने यहां पर आई उतने यहां पर ऐसे चल जाएगी है ना। ऑब्जेक्ट में मतलब ये जो मिरर है उसमें आके पड़ रहा है यहाँ पर इस पॉइंट में, लेकिन अपन लगभग जीरो मान रहे हैं, एग्जैक्टली जीरो नहीं मान रहे हैं। ग्रेजिंग मतलब लगभग जीरो, टेंडिंग टुवर्ड जीरो, एग्जैक्टली जीरो नहीं। तो हल्की सी ऐसे टेढ़ी आई टच हुई और
चली गई, मतलब वो एंगल जो है वो बहुत ही कम है मिरर से, मैं मिरर से एंगल की बात कर रहा हूँ। तो मिरर से जब भी लाइट आ रही है 90 डिग्री में तो आपकी वो होगी नॉर्मल इंसिडेंस, और मिरर से अगर आ रही है 0 डिग्री में तो वो आपकी हो गई कौन सी, ग्रेजिंग इंसिडेंस। ठीक है क्या? लेकिन अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस के हिसाब से बोलो तो नॉर्मल इंसिडेंस कब बोलेंगे, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो, 0। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कब किससे निकालते हैं, नॉर्मल से निकालते हैं, नॉर्मल वाली लाइन से। तो अगर ग्रेजिंग इंसिडेंस है तो नॉर्मल से कितना एंगल बन रहा है, 90। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 90 ग्रेजिंग में, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा नॉर्मल में, 0। ठीक है, ये चीज मैं यहां पर लिख देता हूं, नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 0 और ग्रेजिंग इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये पूरा का पूरा याद रखना। और जो मैं पहले एंगल बता रहा था वो किससे बता रहा था, मिरर से, कि मिरर से लाइट कितने में आ रही है। ठीक है, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस कोई आपसे पूछे तो याद रखना, नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, और ग्रेजिंग इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 90 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी। ठीक है, खापी के नहीं आयो क्या? हाँ, यस। तो थोड़ा आवाज निकालो मुंह से, मैं अकेला ही थकूं यहाँ पर, हाँ थोड़ा थकना पड़ेगा भैया तुमको भी, बोलो थोड़ा अच्छे से एनर्जी। हाँ, और ये लोग दोनों तो मस्ती करना है इस क्लास में, उस क्लास में डांट पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा इसलिए, है ना। जाओ जाओ दोनों उस क्लास में, ये याद रहेगा नॉर्मल इंसिडेंस, याद रहेगा नॉर्मल मतलब नॉर्मल, नॉर्मली आए लाइट 90 डिग्री में आए, मिरर से 90 डिग्री में आए, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्या हो, 0। ठीक है, मिरर से बताता ही नहीं हूं, कंफ्यूजन होगा, डायरेक्ट याद रखना, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो 0 उसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो 90 उसको क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस। क्लियर है, याद रहेगा। एसी बंद करते ही गर्मी लगने लग गई क्या, यूज आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा है, एनसीईआरटी का, यही तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। हाँ, थ्योरी में डिटेल में दिया नहीं है कुछ, और क्वेश्चन में मन चाहे डाल देता है कुछ भी, इसलिए ना देखो रेफरेंस बुक में ऐसा नहीं है कि भैया रेफरेंस बुक आप लोगों को खरीदने के लिए कुछ है, कि इसलिए बोल रहा हूँ एनसीईआरटी के भरोसे खाली नहीं होगा, है ना। तो रेफरेंस बुक चाहिए कोई ना कोई, है ना, वो आप कोई सी भी ले सकते हो, लेकिन रेफरेंस बुक एक हो तो आप लोगों को ज्यादा बेटर है कुछ क्वेश्चंस करने के लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए। रेफरेंस बुक एनसीईआरटी के अलावा आती है, जैसे एस चंद आती है ना, इन लोगों के में मंजीत सिंह चलती है, इस टाइप से कोई भी बुक, है ना। तो या ऑनलाइन भी अगर हो ना तो भी चलेगा, पीडीएफ फॉर्मेट में भी हो तो भी, तो खरीदने की जरूरत नहीं है। हाँ चलो, लड़ाई नहीं, ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर ही है जस्ट कैमरा, और उठते समय थोड़ा देख के उठना ना, उड़ा उड़ा मत देना, पता चला कैमरा उड़ गया पूरा। हाँ चलो, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस हो गया। ठीक है, अब आते हैं दो, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। इसको आज करना है कि कल करना है, आज ही कर लेते हैं, चलो ठीक है, 7 बजे तक पढ़ेंगे। वीडियो ऑलरेडी आपका हो चुका है 48 मिनट का, ये 1 घंटे का बनेगा बस, है ना। ठीक है, खेलने जाना है तुमको, क्या टाइम हो रहा है वैसे भी, 5:30। ठीक है, हाँ तो कौन से क्लास के हो तुम, 10th, है ना। तो आईसीएससी के 9th के बच्चे 10th वाले क्लास में आ सकते हैं, सिर्फ आईसीएससी के बच्चे, है ना। और बाकी मतलब जैसे अगर तुमको रहना है तो तुमको पूरा रह सकते हो, 4 से 5 5 से 6 4 से 5 चलेगी 10th की क्लास, और 5 से 6 चलेगी 9th की क्लास। ठीक है, हाँ नहीं तुमको के लिए अलग से होगी डाउट क्लास, जिस दिन डाउट क्लास होगी उस दिन रह सकते हैं सब कोई। ठीक है, वो अपन अभी डिसाइड कर लेंगे, चलो यार इसको अपन आगे क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिसाइड कर लेते हैं क्या क्या कैसे कैसे करना है। ठीक है, चलो क्लास वीक में आपकी 6 दिन की क्लास होंगी, है ना, वीक में आपकी कितनी होगी, 6 डेज की क्लास। सैटरडे तो होगा ना, संडे नहीं होगा, 6 डेज, 5 डेज नहीं बोल रहा हूँ भैया, 6 डेज बोल रहा हूँ, 6 डेज की क्लास होगी आपकी, है ना। अब 6 में से 2 दिन डाउट रखना है कि 1 दिन डाउट रखना है, 1 दिन खाली डाउट क्लास। चलो तो 6 डेज को अपन डिवाइड करते हैं, 5 डेज आपकी होगी थ्योरी क्लास, थ्योरी या प्रैक्टिस क्लास,
है ना, प्रैक्टिस मतलब मैं यहीं पर क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कर रहे हो, है ना, तो थ्योरी आप प्रैक्टिस क्लास होगी 5 दिन की, और 1 दिन की आपकी क्या होगी, डाउट क्लास। उसमें जो पढ़ा है उसका डाउट, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट लेकर के आ सकते हो, है ना, ठीक है। तो आपकी वीक में जो आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, वीक में आपकी टोटल 6 घंटे की क्लासेस चलेंगी, है ना, हर दिन 1 घंटे की आपकी प्रॉपर क्लास चलेगी ही चलेगी, ठीक है। तो 1 घंटा मान के चलो आपकी क्लास चल रही है, तो रिकॉर्डिंग हो सकता है किसी दिन 50 मिनट्स की भी आए, कुछ आगे पीछे का टाइम पास अगर होगा तो कट जाएगा, है ना, अपलोड करते समय, और लाइव क्लास चलेगा तो पूरा का पूरा जाएगा, ठीक है। ये जो लाइव क्लासेस हैं ये किसी यूट्यूब के चैनल पर नहीं आएगा, ये एड्यूमेंशन की ऑफिशियल साइट पर आएगा, edumention.com है या .in, वो अभी आपको थोड़े दिन बाद पता चलेगा, है ना, जो उनसे अवेलेबल होगा वो उस हिसाब से पता चलेगा, ऑब्वियसली वेबसाइट आपकी रेडी होने वाली है ना, तो सारी डिटेल मैं आपको बता दूंगा कोर्स के रिगार्डिंग की, कहां पर चलेगा, किस टाइप से चलेगा। ऑब्वियसली कुछ क्लासेस यूट्यूब पर भी चलेंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, और कुछ जो पेड होंगी वो आपकी सारी की सारी क्लासेस चलेंगी आपके ऐप में या फिर वेबसाइट में, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो एड्यूमेंशन का, या फिर आप वेबसाइट में जाकर के भी देख सकते हो, मतलब लैपटॉप में, फोन में, जिसमें भी देखना है आपको सब परमिशन होगी, ठीक है। ये वाली तो ऑब्वियसली YouTube पर भी चलेगी, अभी डलेगी, आज जो रिकॉर्ड हो रहा है ये वाला, है ना, बट आगे की जो लाइव क्लास है, जैसे मान लो कि कोई चैप्टर चालू हो रहा है, फर्स्ट डे है, तो अपन YouTube में भी डाल देंगे, है ना, और बाकी दिन जो रहेगा क्या बोलते हैं वो आपका पेड वाले में रहेगा, पेड वाला बैच जो रहेगा। प्राइसिंग बता देता हूँ आपको, प्राइसिंग क्या क्या रहेंगी, ये जो क्लासेस हैं आपकी, जो क्लास 10th की पूरी लाइव क्लास जाएगी, और जो 9th की पूरी लाइव क्लास जाएगी, और फेस टू फेस क्लासेस होंगी दोनों की, मैं बता दे रहा हूँ, ये दोनों की जो आपकी फेस टू फेस क्लासेस होगी इसका रहेगा 900 रुपीज पर मंथ, ठीक है, और इन ये हुई फेस टू फेस क्लास ऑफलाइन ऑफलाइन, और जो ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी आपकी, ये होगी आपकी 600 रुपीज पर मंथ, ठीक है। यही सेम क्लास डेली होगी, है ना, 6 दिन होगी, 5 दिन आपकी थ्योरी क्लास होगी और 1 दिन डाउट क्लास होगी, उस दिन मैं मस्त आराम से यहाँ पर बैठा रहूंगा, आप लोगों के डाउट जो है बताऊंगा, लिखना होगा तो यहाँ ऊपर आऊंगा, अदरवाइज आपके डाउट क्लियर करूंगा आपके, जो भी पूरे 6 दिन में, 1 वीक में, संडे भी तो है, संडे का भी जो भी डाउट आएगा वो पूरा का पूरा अपन लेके बैठेंगे। तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि डाउट क्लास अपन मंडे को रखें, तो उससे क्या फायदा होगा, आप सैटरडे तक पढ़ाई किए, संडे को आपको 1 दिन मिल गया होमवर्क करने का, पढ़ाई करने का, रिविजन करने का, तभी तो डाउट आएंगे। या तो आप क्लास में 100% कॉन्सेंट्रेशन देके देख रहे हो तो डाउट नहीं आए, या 0% देके देख रहे हो तो भी डाउट नहीं आए, कुछ पता ही नहीं है डाउट कहां से आएगा, है ना। तो अगर आप कुछ पढ़े होगे, है ना, तभी कुछ ना कुछ डाउट आएगा, तो मेरे को पता चल जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, मंडे को डाउट क्लास रख सकते हैं, उसका बेनिफिट ये है कि संडे को आपको टाइम मिलेगा डाउट आउट निकालने का, होमवर्क करने का, रिविजन करने का। तो मंडे को डाउट क्लास हो गई, फिर ट्यूजडे से लेकर के सैटरडे तक अपन करें पढ़ाई, फिर 1 दिन आप अपना घर में थोड़ा बहुत मस्ती भी कर लिए, खेलकूद भी कर लिए, मस्ती का मतलब फोन वोन नहीं चलाना है भैया, मस्ती का मतलब है थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी वगैरह कर लिए, क्रिकेट वगैरह खेलते हुए कुछ, तो है ना, तो वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है, आपका मेंटल हेल्थ प्लस फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहेगा उससे, और आज की डेट में बहुत जरूरी है ना। ये वीडियो आज जो हो रहा है रिकॉर्ड, ये तो मैं YouTube में डालकर लिंक भेजूंगा हर जगह, और ऑब्वियसली जो है अपन जाके इस चीज को स्कूल में आसपास कहीं अलग अलग जगह, जैसे जो बच्चे बहुत दूर हैं, जैसे कई बार मेरे को हर साल वो आता था कि अपन 20 किलोमीटर दूर है, रोज ट्यूशन तो नहीं आ सकते, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है 20 किलोमीटर आप चल करके आओ ट्यूशन पढ़ने के लिए, है ना, 15 किलोमीटर चल करके आओ, स्कूल तो आ जाते हैं, चलो स्कूल की बस चलती है तो लोग 10-10, 12-12 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर से आ रहे हैं, है ना, ये रोहन भाई साहब भी आ रहे हैं, ठीक है, कितना 15-15 किलोमीटर से आ रहे हो तुम, अच्छा कॉर्मेल वाले हैं तो यहाँ से जा रहे हैं लोग 12-12, 15-15 किलोमीटर दूर स्कूल के लिए जा रहे हैं, लेकिन कोचिंग के लिए इतना दूर जाना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, ये आपका लाइव सिस्टम जो है ये पूरा का पूरा लेकर के आ रहे हैं। प्राइसिंग मैंने आपको बता दी, लाइव क्लास में एनरोल करने का 600 रुपीज पर मंथ है, इसका जो ईयरली कॉस्ट है वो सिर्फ 10 मंथ के हिसाब से लगेगा, वो लगेगा 5,999 एक रुपए कम, ठीक है, मतलब 6,000 रुपए लगेगा साल भर का कोर्स, और मंथली कोर्स दोनों आपका ऐप और वेबसाइट में रहेगा, है ना। तो अभी तो लॉन्च नहीं हुआ है ऐप, बट सुन 6 दिन के अंदर अंदर ऐप लॉन्च हो जाएगा, है ना, प्ले स्टोर में भी, इंदस ऐप प्ले स्टोर में भी, और नहीं एप्पल के ऐप स्टोर में नहीं होगा अभी, है ना, अभी खाली एंड्रॉयड के ऐप स्टोर में और इंदस के ऐप स्टोर में होगा, ठीक है। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे,
हाँ, मतलब जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको भी ऑनलाइन का एक्सेस मिलेगा, मतलब उनको ऑनलाइन परचेस नहीं करना पड़ेगा, उनको मैं डायरेक्टली उनका ऐड कर दूंगा, है ना, ऐप में। मतलब आपका ऐप में ऑलरेडी ऑथराइजेशन रहेगा, आपको वहां जाकर के परचेस नहीं करना पड़ेगा, आपको वहीं पर लाइव क्लास, किसी दिन अगर आपकी छूट गई क्लास, लेकिन इसको वो नहीं लेना है ना कि चलो भाई ना रिकॉर्ड तो ही रहा है, आज नहीं जाएंगे तो क्या हो गया, हाँ वैसे नहीं करना है। अगर वैसा मिला मेरे को तो मैं ऑथराइजेशन हटा दूंगा, मैं किसी को भी ऑथराइजेशन दे सकता हूँ ऐप में और किसी का भी हटा सकता हूँ, ठीक है क्या, ठीक है। चलो, तो ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस का मैंने आपको प्राइसिंग यहाँ पर बता दिया। हाँ, ये नोट्स भी रहेगा, और ऑफलाइन क्लासेस में जो लोग सूरजपुर के हैं वो यहाँ पर भी टेस्ट देने आ सकते हैं, जैसे जब भी टेस्ट हो रहा है तो, नहीं तो ऑनलाइन भी आपका टेस्ट होगा, ऑनलाइन जनरली एमसीक्यू अगर टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव तो बहुत कम होगा ऑनलाइन में, है ना। तो जो भी टेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो टेस्ट देने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि टेस्ट देने के लिए मंथ में एक दिन तो आ ही सकते हैं, 20 किलोमीटर अगर दूर भी है तो कहीं पर, है ना, बाकी रोज की क्लास के लिए नहीं। तो ये सारी हो गई बातें, डिटेल्स हो गई, तो ये अपन फिक्स कर देते हैं, मंडे को अपना कर देते हैं डाउट क्लास, ठीक है, और ट्यूसडे से सेट। अच्छा, मैं भूल गया था, ये वाला सॉफ्टवेयर नहीं है। खैर, खरीदना पड़ेगा, दिए भी नहीं बोर्ड वाले मेरे को साथ में सॉफ्टवेयर, है ना। ट्यूसडे से सैटरडे तक आपका रहेगा थ्योरी क्लास, ठीक है, क्लियर है। टाइमिंग्स, लास्ट बात बच गई आपकी टाइमिंग्स की, तो टाइमिंग आपको मैं और बता दूं, क्लास 10th की जो टाइमिंग्स हैं अभी अप्रैल मंथ के लिए, है ना, बाद में हो सकता है थोड़ा आगे पीछे और हो जाए, अप्रैल मंथ के लिए जो आपकी टाइमिंग क्लासेस है स्कूल की, जो सॉरी कोचिंग की जो आपकी टाइमिंग है वो रहेंगी 4 to 5, और 8th और 9th वाले की अभी सेम बैच रहेगी अप्रैल, है ना, जून से अपन अलग कर देंगे, है ना, अप्रैल 8th और 9th वालों की सेम बैच रहेगी, जिसकी टाइमिंग होगी 5 to 6, ठीक है। आईसीएससी के बच्चे किसी भी बैच में बैठ सकते हैं, दोनों बैच में बैठ सकते हैं, सिर्फ आईसीएससी के बच्चे नहीं, 8th और 9th पूरे यहीं पर बैठेंगे, है ना, 8th और 9th पूरे यहीं पर बैठेंगे, ठीक है, और बाकी 8th से नीचे के सारे बच्चे वहीं पर बैठेंगे, ठीक है क्या, 7th तक के। क्लियर हो गया ये सारी बातें, और कोई डाउट पक्का नहीं? हेलो, 10th वाले 8 और 9th, 10th वाले 8th और 9th में बैठ के क्या करोगे जरा बताओ तो मेरे को। चलो ठीक है, बैठ सकते हो, है ना, नहीं वही है 900 पर मंथ पूरे, हाँ मेरे को मालूम है, मैं बहुत कम ही रखा हूँ इसमें, मैं बहुत ही कम रखा हूँ, है ना, एसी रूम ऊपर से, आई नो, हाँ मैं एक और बात यहाँ पर बताना भूल गया हूँ कि आपका मैं यहाँ पर क्या क्या पढ़ाऊंगा, ऑब्वियसली भैया मेरे से हिंदी इंग्लिश एक्सपेक्ट मत करना, है ना, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा आप लोगों को, मैथ्स और फिजिक्स, ये तो बहुत ही डिटेल में अपन पढ़ेंगे, मतलब जो आपने कभी सोची ना होगी, है ना, इतना डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर बच गया केमिस्ट्री और बायो, ये आपको मैं स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा नोट्स के साथ, है ना, रिटन नोट्स के साथ पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा, है ना, थ्योरीज जो है वो मैं आपको एक बार शॉर्ट में सारी चीजें समझाऊंगा, मतलब केमिस्ट्री और बायो आपकी टू द पॉइंट चलेंगी आपके बोर्ड के हिसाब से, सीजी और सीबीएसई, आईसीएसई लेवल तक का मैं भी प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आईसीएसई लेवल का मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, सीबीएसई लेवल का आपका पूरा चलेगा केमिस्ट्री बायो, हाँ मैथ्स और फिजिक्स तो आपका आईसीएसई लेवल हो चाहे कोई भी लेवल हो, ठीक है, मैथ्स और फिजिक्स में आपका किसी भी लेवल तक का होगा आपका क्लियर करेंगे, ठीक है, डन। तो आज की क्लास एंड करें, है ना, फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए सौरभ सर की क्लास, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।